अंतिम सफर पर निकल पड़ी हैं शारदा सिन्हा। इस वक्त मैं आपको मुक्ति रथ की तस्वीरें दिखा रही हूं, जहां पार्थिव शरीर को रखा गया है और तमाम वो लोग बड़ी संख्या में शारदा सिन्हा को देखने के लिए, सुनने के लिए, जिन्होंने अभी तक सुना है, देखा है, वो सभी यहाँ पर पहुँच। तस्वीर आप देख रहे हैं शारदा सिन्हा के अंतिम दर्शन आप लोग भी यहाँ कर सकते हैं। शारदा सिन्हा को बिल्कुल उसी तरीके से सजाया गया है जो उनकी पहचान रही है। माथे पर बड़ी बिंदी, आंखों पर चश्मा, और बिल्कुल उसी तरीके से शारदा सिन्हा आज आखिरी बार निकल पड़ी हैं अपने घर से। अपने लोगों को छोड़कर शारदा सिन्हा विदा ले रही हैं और ये अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि तमाम वो लोग देने के लिए पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि इनको यहाँ से गुलबी घाट लेकर जाया जाएगा, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार, दाह संस्कार होगा। और उनकी इच्छा भी यही थी कि जहाँ उनके पति का दाह संस्कार हुआ है, वहीं पर उनका अंतिम संस्कार हो। और दो दिन पहले दिल्ली के एम्स में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ और उसके बाद उनको पटना लाया गया। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और ये आप उन लोगों को देख सकते हैं जो शारदा सिन्हा के लिए इस वक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं। और चूंकि देखिए, ये बड़ी बहुत बड़ा ये संयोग कह लीजिए, विडंबना कह लीजिए, कि छठ, जिन छठ के गीतों को सुनकर लोग यहाँ शारदा सिन्हा को याद करते हैं, उसी छठ में आज तीसरा दिन है। शाम को लोग अर्घ देने के लिए, दीनानाथ की उपासना करने के लिए घाटों पर पहुँचेंगे। ऐसे में शारदा सिन्हा अपने घर से निकल पड़ी हैं अंतिम सफ़र पर। शारदा सिन्हा, जिनका नाम बिहार की, जब समृद्धि की बात होगी, बिहार की अगर संपदा की बात होगी, संस्कृति की बात होगी, तो उनमें शारदा सिन्हा का नाम लिया जाएगा और ज़रूर इतिहास उनको याद रखेगा जो उनके गीत जो उन्होंने गाए। और देखिए, जब मैं ये रिपोर्ट कर रही हूँ तब मुझे सुनाई दे रही है सिर्फ उनके गाई हुई गीते। छठी मैया सुन ली अर्जी हमार, आखिरी दौर तक भी उन्होंने रियाज किया। अस्पताल में जब वो इलाजरत थी तब भी उन्होंने रियाज नहीं छोड़ा। और ऐसे में शारदा सिन्हा जब आज जा रही हैं तो लोग उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पर पहुंचे हुए हैं। और अब अंतिम सफर पर शारदा सिन्हा निकल पड़ी हैं। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ दिश्री एबीपी न्यूज पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.